हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। हम सभी SA1 की तैयारी कर रहे हैं, SA1 के लिए अच्छे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम SA1 में अच्छी तरह पास हो जाए, अच्छे मार्क्स लाए। इसीलिए मैं आप सभी के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए सोशल स्टडीज का कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स मैंने क्वेश्चंस मैंने एक एक्सपर्ट टीचर से टिक कराया है ताकि आप लोग पढ़े, इससे फायदा उठा सके। तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो SA1 में आने वाले हैं, जो एक्सपर्ट ने टिक कराया है, तो उसके अंदर से हम पहले देखेंगे। सबसे पहले हम पोर्शन देखेंगे, सोशल का पोर्शन क्या होगा। ये सोशल का पोर्शन है, आपको फर्स्ट लेसन पढ़ना होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट लेसन आपको पार्ट वन में पढ़ना होगा, पूरे एट लेसन आपको SA1 के लिए। पार्ट टू के अंदर अगर आप देखेंगे तो पार्ट टू के अंदर 17th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th लेसन तक आपको पढ़ना होगा, ये आपका पोर्शन है। अब रिवीजन हम देखेंगे कुछ एक्सपेक्टेड आंसर्स के बारे में। तो फर्स्ट लेसन अगर आप निकालते हैं, फर्स्ट लेसन का है पेज नंबर 14। ये पेज नंबर 14 में देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको पढ़ना है और उसी तरह यहां पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। उसके बाद लेसन नंबर टू के अंदर हम आते हैं, तो टू के अंदर आपको देखिए यहां पर आप पेज नंबर 27 पर फर्स्ट क्वेश्चन है और पेज नंबर 28 पे देखेंगे आप तो थर्ड क्वेश्चन सिक्स और सेवेंथ है और उसी तरह नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसी तरह लेसन थर्ड में देखेंगे हम, थर्ड लेसन का अगर लास्ट स्टेप निकालेंगे तो आपको क्वेश्चंस पेज नंबर 43 पर देखेंगे, पेज नंबर 43। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ पढ़ना है आपको यहां से और उसी तरह पेज नंबर 44 पर देखेंगे तो एट पढ़ना है, टेंथ और इलेवेंथ भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर फोर्थ में जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 57 यहां पर आपको पढ़ना है सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ और उसी तरह सेवेंथ भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट आते हैं चैप्टर फिफ्थ की ओर, इसका क्वेश्चन पेज नंबर हम निकालेंगे 71, जिसके अंदर है सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आएंगे हम सिक्स्थ लेसन की ओर और इसका पेज नंबर हम निकालेंगे 85। अब 85 में फर्स्ट आपको पढ़ना है, ये 8 मार्क्स में आपको आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन भी आपको पढ़ना होगा और पेज नंबर 86 पे फर्स्ट और सेकंड ये दोनों भी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ और सिक्स्थ इसको भी आपको पढ़ना होगा। अब आते हैं हम सेवेंथ लेसन की ओर, सेवेंथ लेसन का पेज नंबर आपका क्या होगा, पेज नंबर होगा 102, जिसके अंदर से आपको पढ़ना है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन और इलेवेंथ क्वेश्चन। अब आते हैं हम चैप्टर एट की ओर, एट का पेज नंबर आपका क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। पहले पेज नंबर होगा 117, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना है आपको, एट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इलेवेंथ क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ट्वेल्थ क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये यहां तक आपको पढ़ना है। ये आपको SA1 के लिए कंप्लीट यहां तक सितंबर तक आपको पढ़ना है, अक्टूबर तक पढ़ना है लेकिन यहां पर अक्टूबर नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th लेसन में हम देखेंगे तो 12th to 17th। तो हम आते हैं 12th की ओर, 12th लेसन यह है, 12th लेसन वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड वॉर। अब इसका हम पेज नंबर क्या होगा आप पेज नंबर निकाल लीजिए, मैं कहता हूँ बतला दूंगा आपको पेज नंबर, जिसके अंदर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए पेज नंबर 186 पर है तो यहां पर से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड टिक कराया गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है और क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ आपको यहां से याद करना है। नेक्स्ट पेज 13th चैप्टर में आएंगे तो इसका पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 197 है तो यहां पर आपको याद करना है सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ,
और नाइन्थ, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट आते हैं 14th लेसन। 14th लेसन का पेज नंबर अगर आप निकालेंगे तो 1 to 211 पर है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, फिफ्थ पढ़ना है आपको, नाइन्थ पढ़ना है और टेंथ भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं 15th लेसन। 15th लेसन में देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स, सेवेंथ और नाइन्थ क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इतने क्वेश्चन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं 16th में। यहां पर से आपको 16th में देखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहां से सेवेंथ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं 17th की ओर। 17th में आपको फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ ये आपको पढ़ना है। और एक बात याद रखिए कि ये मैं जितने भी चैप्टर्स दिया हूं ये इंडेक्स में से कोई अगर आपको निकल जाता है, कोई रेड्यूसेस है, जैसा ये रेड्यूस है, ये रेड्यूस्ड लेसन्स को छोड़कर रिमेनिंग आंसर्स आप याद कर सकते हैं। रेड्यूसेस क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडेड है और जिन सर को मैं दिया था वो सर रेड्यूसेस का भी टिक कराए हैं, तो रेड्यूसेस सिलेबस को आप निकालकर जितने भी क्वेश्चन है आप अच्छी तरह याद कीजिए। और एक बात इसके अंदर गौर से याद रखिए कि आपको ये सोशल स्टडीज है, उन से आप याद कर सकते हैं। और इन आंसर्स को उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स हैं, अच्छा पढ़ेंगे और अपने आंसर्स को खुद बना लीजिए, पॉइंट वाइज बना लीजिए, लेसन को समझकर अपनी तरफ से बनाकर उसी को याद कीजिए, बल्कि वो बुक का या दूसरी चीज़ों का मत रटिए, भूल जाएंगे आप। अगर अपनी तरफ से नोट्स अच्छी तरह बना के अगर याद रखेंगे तो आपको एग्जाम्स तक याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो और अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं, स्कूल में जो रिवीजन दिए हैं वो रिवीजन भी याद कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिया है तो इतने पढ़ लेंगे तो अब भी आपके लिए बहुत काफी हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।